तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाई कुंतवा पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाई कुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाई कुंतवा पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाई कुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे
नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इसमें की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में साईजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस
राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके
करके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तो तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू अला भाईकुंतो पुरामालु, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच अला भाईकुंतो पुरामालु मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तो तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू अला भाईकुंतो पुरामालु, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हो
तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से,
जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लाह जी उनकी डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इसमें की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह की जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतला वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह की जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतला पूरा मालो जो की 2020 में रिलीज हुई
तेलुगु लैंग्वेज के एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डार्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज के एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी को जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में सहजदा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में सहजदा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे
नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इसमें की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑल्ड एडिशन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते हो तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑल्ड एडिशन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा
क्रिएशन के बिना तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। तो इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बिना तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई
तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी को जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाई कुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा पूरामालु, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्रिकानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरामालु मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा पूरामालु, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्रिकानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे
नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इसमें की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इसमें की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा
क्रिएशन के बिना तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा पूरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई
तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्रिकानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्रिकानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे
नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इसमें की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इसमें को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इसमें को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में सहजदा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस
राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लाह जून की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार
जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं, अला भाईकुंतपुरा वालो जो कि 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दूं इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दूं, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्डमाइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्डमाइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच अला भाईकुंतपुरा वालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं अला भाईकुंतपुरा वालो जो कि 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दूं इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दूं, तो इस मूवी को जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्डमाइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्डमाइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते
तो इस मूवी को कभी कभी गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला तो पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं, आला भाईकुंतला पूरा मालो जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दूं, इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दूं तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्डमाइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्डमाइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं, आला भाईकुंतला पूरा मालो जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है टी विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से,
जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लाह जी उनकी डायहार्ड फैन हो, तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा पूरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई
तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह की जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन कर थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह की जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे
नेटफ्लिक्स ने बाय किया है, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। तो इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इसमें की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इसमें को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायर फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इसमें जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की ऑलरेडी प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस
राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लाह जून की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतपुरा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने, और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतला पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार
जाके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं, आला भाईकुंतपुरा वालों, जो कि 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दूं, इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दूं, तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतपुरा पूरामालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दूं, आला भाईकुंतपुरा वालों, जो कि 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दूं, इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दूं, तो इस मूवी को जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते
तो इस मूवी को कभी कभी गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्डमैन्स के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंड का पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंड तो पूरा मालो जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया, तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्डमाइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्डमाइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्डमैन के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्डमैन के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंड का पूरा मतलब मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो तो। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार जाकर देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी को तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास्क सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंड पूरा मालो जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कानी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिका एंड हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से,
जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इसमें को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी की लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबू थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे, जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधाकृष्णन ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी, बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाय किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाय किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायहार्ड फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा पूरा वालों जो की 2020 में रिलीज हुई
तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नेटफ्लिक्स के पास तुम्हें तमिल, तेलुगु वगैरह के जो भी राइट्स है साउथ इंडियन लैंग्वेज के, वो राइट्स तुम्हें नेटफ्लिक्स के पास मिल जाएगा। तुम इस साउथ इंडियन लैंग्वेज समझते हो तो उस लैंग्वेज पे जाकर देख सकते हो। इसके अलावा भी तुम लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर तुम लोग हिंदी में देखना चाहते हो तो इस मूवी की ओटीटी हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन टेलीफिल्म से बाई किया था। तुम लोग चाहो तो इस मूवी की वर्ल्ड एशियन प्रीमियर बहुत पहले गोल्ड माइन के जो टीवी चैनल है वहां पर प्रीमियर हो चुका है। अगर तुम लोग इस मूवी को अभी भी देखना चाहते तो इस मूवी को कभी कभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर प्रीमियर किया जाता है। अगर तुम टाइम मिले तो तुम जाके गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पर जाके इस मूवी को देख सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोगों के बीच आला भाईकुंतवा पूरा मालो मूवी की रिव्यू देने वाली हूँ। इसके अलावा इस मूवी को तुम कैसे कहाँ पर देख पाओगे, मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी स्टोरी, इस मूवी किस प्लॉट पर बनाया गया था, इसके अलावा मूवी कैसी मूवी थी, मूवी अभी तुम लोग हिंदी में कहाँ पर देख पाओगे, तेलुगु में अगर देखना चाहो तो कहाँ पर देख पाओगे, पूरी जानकारी तुम्हें वीडियो के बीच में कहीं पर भी तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वीडियो को पूरा देखते हो। तो मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। तो तुम लोग अगर अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो तुम्हें तो ये मूवी जरूर एक बार के देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मूवी तुम्हें लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन तुम्हें तेलुगु मूवी है। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को डिटेल्स में इस मूवी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो तुम लोग भी अगर इस मूवी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मास सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बता दू आला भाईकुंतवा वालों, जो की 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे राइट एंड डायरेक्ट किया है त्रि विक्रम श्रीनिवास ने। और इस मूवी के लीड रोल पे हमें देखने को मिली थी अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े जो कि लीड रोल पे थी। इसके अलावा भी बहुत सारे कास्ट थे, बड़े बड़े कास्ट थे, जैसे बॉलीवुड से ताबूत थे, इसके अलावा जयराम, सुशांत, निवेदिता पैथुराज, मुरारी शर्मा, समुद्री कनी, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर थे जैसे सचिन खेडकर जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद एंड एस राधा कृष्णा ने। और इस मूवी को गीता आर्ट्स एंड हरिकन हरीशा क्रिएशन के बैनर तले इस मूवी को बनाया गया है। तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी ने उस टाइम बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छी खासी कलेक्शन की थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी खासी मूवी थी। तो मूवी को उस टाइम पे 100 करोड़ की बजट में बनाया गया था। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 280 करोड़ की कलेक्शन करी थी। बॉक्स ऑफिस एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। बाद में जाके इस मूवी की रिमेक भी बनाया गया था बॉलीवुड में शहजादा के नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक हिट मूवी साबित हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मूवी कितना बढ़िया एक मूवी थी। तो अल्लू अर्जुन की डायरेक्ट फैन हो तो इस मूवी को जोर से जाके एक बार वॉच करना। और बता दू इस मूवी की ओटीटी राइट्स की बात बता दू तो इस मूवी की जो भी ओटीटी राइट्स थी उसे नेटफ्लिक्स ने बाई किया है। तो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें हिंदी में तो देखने को नहीं